का नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, करता था और दोस्तों करता रहूंगा। आखिरकार आप सभी मेरी जनता और दोस्तों आप सभी का ख्याल रखना तो बनता ना यार। जी हां दोस्तों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार पुष्पा फिल्म के स्टार कास्ट सैलरी कितनी है, इस फिल्म के एक्ट्रेस ने इस फिल्म के काम करने के लिए कितने करोड़ रुपये चार्ज करे हैं, आखिरकार दोस्तों इस फिल्म को हम सबके बीच में कितने बड़े स्केल पर रिलीज करा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों को जवाब लेके आ चुका हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप पुष्पा फिल्म से काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इस फिल्म के हर एक अपडेट को जानना चाहते हैं, इस फिल्म का पब्लिक रिव्यू, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस फिल्म का पब्लिक रिव्यू और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट मिल पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें पुष्पा मूवी की, तो दोस्तों आपको बता दें कि पुष्पा मूवी एक काफी बेहतरीन फिल्म है जिसके अंदर आपको अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंडाना जैसे कई सारे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें कि इस फिल्म का बजट कितना है, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का बजट केवल 250 करोड़ रुपए है और दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट ने इस फिल्म अंदर काफी बड़े लेवल पे चार्ज करा है काम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें सैलरी की, तो अल्लू अर्जुन ने जो कि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर है, उन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं। रश्मिका मंडाना को इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों प्रकाश राज जो कि काफी बेहतरीन एक्टर है, उनको भी इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं। जगतपति बाबू को भी इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी सर, जिनको इस फिल्म के काम करने के लिए 3,50,00,000 रुपए दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर सुकुमार की, जिनकी वजह से ये फिल्म बनाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो इस फिल्म का स्टार कास्ट बजट है वो लगभग 60 करोड़ रुपए बैठ चुका है। तो दोस्तों इस फिल्म का जो स्केल है वो कितना बड़ा होना चाहिए। अब दोस्तों आपके अपडेट क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों आने वाले टाइम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपको हमारे चैनल पे फिल्म का पब्लिक रिव्यू और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट मिल जाएगी शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।